आज मैं आप लोग को क्लास 12th के चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग के बारे में बताने वाली हूँ। ये चैप्टर लिखा है एनीस जंग ने और इस चैप्टर में बताया है कि जो हमारी सोसाइटी में 14 ईयर्स से कम एज के बच्चे हैं उनसे काम करवाया जाता है फोर्सफुली, इंस्टेड कि उन्हें एजुकेशन की फैसिलिटीज मिले उन्हें काम करना पड़ रहा है अपने और अपनी फैमिली के मेयर सर्वाइवल के लिए। ओके, सो यहाँ पे दो यूनिट्स हैं ऐसे ही कुछ एंड मैंने आपको यहाँ पे हिंदी में एक्सप्लेनेशन दी है, पेज वाइज समरी देकर दी है। सो लेट्स मूव अहेड नाउ। Chapter Lost Spring, Stories of Stolen Childhood, written by Anis Jung। एक मेजर थीम जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करी है इस पूरे चैप्टर में वो ये है कि जो चाइल्ड लेबर है यहाँ पर, जो चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है हमारी कंट्री में, बच्चों से काम करवा रहे हैं। सो ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको राइटिंग स्किल्स में आ सकता है कुछ ऐसे लिखना। एंड जो चाइल्ड लेबर बेसिकली क्या होता है कि 14 ईयर्स से छोटे जो बच्चे हैं अगर उनसे कोई भी काम करवाया जा रहा है सो दैट इज चाइल्ड लेबर। ओके, सो अब ये जो चैप्टर है आपका ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, सो बेसिकली ये सीमापुरी की स्टोरी है, वहां पे रैक पिकर्स हैं बहुत सारे। एंड सेकेंड इज आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, यहाँ पर मुकेश की बात करते हैं यहाँ पर इस स्टोरी में। एंड ये एक स्टोरी है जो फिरोजाबाद से बिलोंग करती है। ओके, सो अब यहाँ पर मैंने आपको टैब्यूलर फॉर्म में लिस्ट डाउन कर दिए हैं सीमापुरी और फिरोजाबाद के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, सो इसकी रीडिंग कर लोगे आपको समझ आ जाएगा, वैसे तो सिंपल है, स्टिल आई विल टेल यू वंस। रैक पिकर, बैंगल मेकर, यू अंडरस्टैंड कि सीमापुरी में रैक पिकर्स थे, फिरोजाबाद में बैंगल मेकर्स थे, जो साहूकार्स एंड मिडिलमैन के सर्कल से बाहर ही नहीं आ पा रहे थे और उस काम से बाहर ही नहीं आ पा रहे थे। ओके, एंड जो सीमापुरी के लोग हैं वो जो बच्चे हैं वो भी रैक पिकिंग कर रहे हैं ताकि कुछ पैसे कमाकर अपने फैमिली को सर्वाइवल उनका इंश्योर कर सके। देन यू कैन से दैट सीमापुरी के जो लोग हैं दे हैव फूड इन देयर बेलीज एज दे हैव राशन कार्ड्स। ठीक है, उनके पास राशन कार्ड्स है एंड इस वजह से दे हैव फूड। एंड फिरोजाबाद के लोग जो हैं वो उन्हें अच्छे से फूड भी नहीं मिल पा रहा है बट उनके पास एक घर तो है ही, एटलीस्ट चाहे वो ब्रोकन हो बट दे हैव अ रूफ ओवर देयर हेड्स टू स्लीप। बट जो सीमापुरी के लोग हैं उनके पास रूफ्स नहीं है बट दे हैव फूड। ओके, देन जो चिल्ड्रन है वो स्लेव्स बन जाते हैं टू अर्न द मनी इन सीमापुरी, वेयर एज फिरोजाबाद के लोग जो हैं दे कैन ओनली डेयर टू ड्रीम टू कम आउट ऑफ बैंगल मेकिंग बट आर नॉट अलाउड टू डू सो। सो जहाँ वो जो मिडिलमैन है वहाँ के जो साहूकार्स हैं वो सब उन्हें उस सर्कल से बाहर ही नहीं आने देते, कोई और अपॉर्चुनिटी अवेल ही नहीं करने देते। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। सो यहाँ पर सिंपली एक बॉय है साहिब जिसका नाम है, वो एक बच्चा है अभी, वो रैक पिकिंग करके अपना और अपनी फैमिली का सर्वाइवल इंश्योर कर रहा है। एंड उसे वो पहले ढाका में रहता था, दैट इज इन बांग्लादेश। ओके, बेसिकली सो वो पहले वहां रहता था एंड वहां पे इतने स्टॉर्म्स आए कि उनका जो घर था, जो कच्चा हाउसेस थे वो एकदम डिस्ट्रॉय हो गए एंड इस वजह से वो होमलेस हो गए और उन्हें अब यहाँ पे आउटस्कर्ट्स में आके रहना पड़ रहा है इन सीमापुरी। एंड उनके सर्वाइवल के लिए उन्हें गार्बेज पिकिंग इंश्योर करनी पड़ रही है ताकि वो जिंदा रह सके। ओके, सो अब ये जो नरेटर है वो उसे एक दिन मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि व्हाई डू यू डू इट एवरी डे एंड व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल। ओके, सो बेसिकली वो बच्चा कहता है कि मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल ही नहीं है तो मैं कैसे जाऊं। नरेटर उससे कहते हैं कि क्या अगर मैं एक स्कूल बना दूं तुम्हारे लिए, तुम सब बच्चों के लिए, तो क्या तुम जाओगे। सो वो बच्चा बहुत खुश हो जाता है, साहिब बहुत खुश हो जाता है और वो बहुत हैप्पीली कहता है कि यस ऑफकोर्स वो जाएगा अगर एक स्कूल बन जाए तो। लेकिन फिर थोड़े दिन बाद जो नरेटर उससे मिलता है तो वो बच्चा बहुत विथ लॉट्स ऑफ होप वो उससे पूछता है कि क्या आपका स्कूल रेडी है और हम उसमें आ सकते हैं। सो जो नरेटर है वो कहते हैं कि स्कूल इतनी जल्दी नहीं बन जाता एंड वो बहुत एम्बेरस्ड फील करते हैं। ओके, सो अब यहाँ पर क्या हो रहा है आगे, जब नरेटर उससे उसका नाम पूछते हैं तो वो बताता है कि मेरा नाम साहिब ए आलम है। एंड जब इस वर्ड का मीनिंग नरेटर को समझ आता है तो वो समझते हैं कि इट मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। सो वो काफी सरप्राइज हो जाते हैं, काफी शॉक हो जाते हैं कि ये बच्चा जो रैक पिकिंग कर रहा है यहाँ पे अपने मेयर सर्वाइवल के लिए, उसका नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो यहाँ पे ये आयरॉनिकल है। आफ्टर दिस जो नरेटर है वो नोटिस करते हैं कि ये बच्चे जो हैं वो चप्पल नहीं पहनते हैं,
वो बेयरफुट रहते हैं हमेशा रैक पैकिंग करते टाइम. सो वो पूछते हैं एक बच्चे से कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है. सो वो कहता है क्योंकि मेरी मम्मा ने मेरे को वो शेल्फ से रैक से उतार के नहीं दी, इसलिए नहीं पहनी. देन दूसरा बच्चा टोकता है बीच में, वो कहता है कि अगर उसकी मम्मा दे भी देती तो ये फेंक देता उसे. ओके. देन थर्डली एक बच्चा कहता है कि मैंने कभी एक यू नो चप्पल पहनी ही नहीं है अपने लाइफ टाइम में, तो मैं आज भी कैसे पहनूँ. ओके. एंड वो कहता है कि मेरे को शूज़ चाहिए लेकिन आई डोंट हैव इट एट ऑल. सो इस सब से हम कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पॉवर्टी स्ट्रिकन है. और हम इस सब को कवर अप करने के लिए एक चीज़ कह सकते हैं कि ये बच्चों का एक ट्रेडिशन है कि ये बेयरफुट रहे रैक पिकिंग करते टाइम, ताकि इनकी जो पॉवर्टी है वो यू नो एक ट्रेडिशन के नाम से कवर अप हो जाए. सो अब यहाँ पर जो आपका थर्ड पेज है, इसमें सबसे पहले तो एक स्टोरी बताई है नरेटर ने. नरेटर ने बताया है कि जब वो उडीपी जाते थे तो वहां पर वो एक बच्चे को नोटिस करते थे जो जिसके फादर एक पुजारी थे, एक प्रीस्ट थे एक टेम्पल में. ठीक है. सो वो बच्चा उस टेम्पल में यू नो उस टेम्पल से निकलते हुए अपने स्कूल जाता था. एंड वो टेम्पल में हमेशा रुककर एक ही प्रेयर करता था कि मेरे को एक पेयर ऑफ शूज मिल जाए, एंड अगर मिल जाए तो मैं उन्हें कभी भी खोऊं ना. ओके. सो अब 30 साल बाद जब नरेटर वहां पे गए उस विलेज में, तो उन्होंने नोटिस करा कि सब कुछ वहां चेंज हो चुका है, बट वो टेम्पल है वहां पर और जो प्रीस्ट है, अब जो पुजारी है वहां के, वो दूसरे हैं, चेंज हो गए हैं 30 साल में. और जो उनका बेटा है वो स्कूल से आया हुआ है, थका हुआ एकदम भागते हुए आया, एंड उसने अपना जो स्कूल बैग है वो फोल्डिंग बेड पे फेंक दिया, एंड उसने पेयर ऑफ शूज पहने थे एंड सॉक्स पहने थे. ओके. वहां पे प्लास्टिक चेयर्स थी, रेड एंड व्हाइट यू नो फोल्डिंग चेयर्स थी. ओके. सो उसको उसके शूज देखकर नरेटर को वो 30 साल पुरानी बात याद आ गई, जब वो उस छोटे बच्चे को नोटिस करते थे जो एक शूज के लिए प्रे करता था गॉडेस से, और उसे शूज मिल भी गए थे, एंड उसने फिर प्रेयर करी थी कि मैं अभी ने कभी भी खोऊं ना. ओके. सो अब यहाँ पर नरेटर बोल रहे हैं कि इवन जो पुजारी हैं, जो प्रीस्ट्स हैं, उनके बच्चे भी शूज पहनते हैं. सो एक रैक पिकर क्यों नहीं पहनता. ठीक है. सो जो प्रीस्ट हैं, जो यू नो डिवोटेड है टू गॉड, दे आर ऑल्सो यू नो ओनिंग अ पेयर ऑफ शूज, बट नॉट द रैक पिकर्स इन आर नेबरहुड. सो अब इसी थर्ड पेज में आगे ये जो पैराग्राफ है, डिटेल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. सो सबसे पहले तो यहाँ पे बताया है कि जो नरेटर है वो सीमापुरी गए हैं. सीमापुरी कहाँ पर है? दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में, मतलब दिल्ली की बाउंड्री में है सीमापुरी, एक स्लम है. ओके. सो वहाँ पे बहुत सारे रैक पिकर्स हैं, एंड वहाँ का स्ट्रक्चर एंड एटमोसफेयर कैसा है, जो घर है वो बिल्कुल कच्चा हाउसेज हैं यू नो, एंड जो रूफ टॉप्स है उससे पानी टपक रहा है हर टाइम. दे डोंट इवन हैव सीवेज ड्रेनेज फैसिलिटीज, उनके घर में अच्छे से पानी भी नहीं आ रहा है टैप से. एंड देन उनके जो रूफ्स है वो टिन एंड टारपुलिन के बने हुए हैं. मोर देन 10,000 रैक पिकर्स यहाँ रहते हैं. 30 साल से पुराने यू नो 30 साल से यहाँ पे रह रहे हैं ये लोग, बट इनकी कोई परमिशन नहीं है इनके पास यहाँ पे रहने की, और ना ही कोई आइडेंटिटी है. बट दे हैव देयर राशन कार्ड्स. ठीक है. राशन कार्ड्स है, उसकी वजह से उनका नाम वोटर्स लिस्ट में है, एंड इस वजह से उन्हें ग्रेन्स मिल जाते हैं. सो यहाँ के जो लोग हैं ये समझते हैं कि हमें अगर सोने से पहले खाना मिल जाए तो इट इज मोर देन इनफ फॉर अस. हमें अगर एम्प्टी स्टमक सोने ना जाना पड़े, एकिंग स्टमक के साथ सोने ना जाना पड़े, तो इट इज मोर देन इनफ फॉर अस. सो यहाँ पे ये जो लोग हैं, ये जो बच्चे हैं, बच्चे भी पार्टनर्स इन सर्वाइवल हैं पेरेंट्स के लिए, क्योंकि दे आर ऑल्सो फाइंडिंग द गार्बेज एंड फाइंडिंग मे बी सम रूपी इन द गार्बेज, उससे वो अपना सर्वाइवल इंश्योर कर रहे हैं. सो अब इस पर्टिकुलर यूनिट के लास्ट पेज को देखते हैं. यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं. पहली बात ये है कि बच्चों के लिए और बड़ों के लिए जो गार्बेज है वो दो अलग चीज है. बच्चों के लिए क्या है, इट इज समथिंग लाइक बहुत ज्यादा अमेजिंग चीज है, बहुत क्यूरियोसिटी के साथ वो लोग रैक पैकिंग करते हैं. उनके मन में हमेशा ये होता है कि उन्हें कब क्या कोई अमेजिंग चीज मिल जाए. ओके. एंड बेसिकली जो एल्डरली पीपल है उन लोग के लिए गार्बेज पिकिंग क्या है, सिर्फ एक काम है जो वो करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए. ओके. सो सिर्फ अपने टमीज को फुल करने के लिए वो लोग ये काम कर रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए. देन सेकेंडली यहाँ पे बताया है कि जो साहेब है अब वो कुछ दिनों बाद में मिल्क बूथ में काम करने लग गया है. वो अब खुद का मास्टर नहीं है, एंड उसे 800 रुपए मिलते हैं और उसके सारी मील्स जो हैं वो उसे मिल जाती हैं अब. लेकिन
अब उसने अपने फेस से वो केयर फ्री लुक खो दिया है, अब वो किसी के अंडर काम कर रहा है और वो अपना खुद का मास्टर नहीं है, उसे किसी और की गाइडेंस में काम करना है। एंड जो स्टील कैनिस्टर है, जो स्टील का कंटेनर है फॉर द मिल्क, वो बहुत हैवी है दैन द गार्बेज बैग विच ही यूज टू कैरी ऑन हिज शोल्डर्स। ओके, सो अब आपका नेक्स्ट यूनिट है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। सो यहाँ पर अब मुकेश की स्टोरी है। मुकेश कौन है? फिरोजाबाद में रहता है और बाकी बैंगल मेकर्स की तरह वो भी एक बैंगल मेकर है और उसकी फैमिली भी बैंगल मेकिंग में थी। ओके, सो यहाँ पे मुकेश को अपना खुद का मास्टर होना है, वो नहीं चाहता किसी के अंडर काम करना नहीं चाहता वो। एंड यहाँ पे बता रहे हैं कि फिरोजाबाद में 20,000 के करीब बच्चे जो हैं वो डिंजी सेल्स में, मतलब छोटे रूम्स में काम करते हैं जहां पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है, एकदम डार्कनेस में वो दिन और रात वहां पे बैठ के मेहनत कर रहे हैं, बैंगल्स बना रहे हैं। ओके, एंड जो उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं जितनी वो मेहनत करते हैं उसका 1% पैसा भी उन्हें नहीं मिल रहा है, ज्यादातर पैसे सारे मिडिल मैन और को जा रहे हैं, जो एक्चुअल मेहनत कर रहे हैं उनको बिल्कुल पैसे नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत ज्यादा वाली यू नो पॉवर्टी है, बिल्कुल पॉवर्टी स्ट्रिकन लाइफ है सबकी। एंड जो ये लोग जहां रहते हैं, अब मुकेश उसे वहां लेकर जाता है नरेटर को वहां पर, एंड जब वो लोग रस्ते में होते हैं तो जो यू नो लेन्स की कंडीशन डिस्क्राइब करी गई है उससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं है। जो लेन्स है वो बिल्कुल स्टिंकिंग है, वहां पे स्मेल आ रही है, फाउल स्मेल आ रही है गार्बेज की। ठीक है, जो डोर्स हैं घर के वो एकदम अनस्टेबल हैं, ऐसे प्रॉपरली बंद नहीं होते हैं, विंडोज ही नहीं है लोगों के घर में। देन यहाँ पे बिल्कुल वेस्ट है, ऐसा समझ लो कि ह्यूमंस और एनिमल्स एक ही जगह पर मतलब शांति से रह रहे हैं। ठीक है, देन जब ऐसे ही एक वॉबली डोर, मतलब एक ऐसे ही अनस्टेबल से डोर के आगे मुकेश रुक जाता है तो नैरेटर को लगता है कि हाँ यही उसका घर है। घर की कंडीशन अब क्या डिस्क्राइब करी गई है, इसका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको आना चाहिए। इसमें सबसे पहले तो ये बताया है कि जो एक साइड है घर का वहां पे सारी घास पड़ी हुई है, देन फायरवुड स्टोव जो है वहां पर उस पर एक बड़ा सा कंटेनर रखा हुआ है जिसपे स्पिनच लीव्स बन रही है। ठीक है, एंड देन एक एल्यूमिनियम का कंटेनर पड़ा है जमीन पर और कुछ चॉप्ड वेजिटेबल्स पड़े हैं, कुछ सब्जियां वहां है और एक फ्रेल वुमेन, मतलब एक यंग यू नो एक यंग और वीक जो लेडी है घर में जो काम कर रही है वो वहां पर मुकेश को देखकर स्माइल करती है। एंड वो लेडी कौन है? वो मुकेश के एल्डर बड़े, मतलब एल्डर मतलब बड़े भाई की वाइफ है। ओके, अब इसी पेज में आगे क्या होता है, जो मुकेश की ग्रैंड मदर है वो आ जाती हैं एंड वो कहती हैं कि ये जो आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग है वो हमारा कर्म है, वो हमारी डेस्टिनी है। ठीक है, सो वो कहती है कि ये गॉड गिफ्टेड लाइनेज है एंड हम इसी को फॉलो करते जा रहे हैं, हमारे एंसेस्टर्स से लेके अब की जेनरेशन तक के सब लोग यही काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर इसी पेज पर आगे एक और लड़की सविता के बारे में बताया है, जिसे यू नो बैंगल्स की अभी तक पवित्रता और यू कैन से पायसनेस सेक्रेडनेस नहीं पता है शायद, एंड उसे नहीं पता है कि ये इंडियन मैरिजेस में उन विमेन के सुहाग की सिंबल होती है, या फिर यू कैन से कि यू नो ऑस्पिशियसनेस जो होती है आपकी मैरिजेस में उसका ये एक सिंबल होता है जो बैंगल्स है वो। एंड एक दिन वो भी एक ब्राइड की तरह रेडी होंगी और उनकी भी शादी हो रही होगी। ओके, देन यहाँ पे उसके साइड में एक ओल्ड वुमन बैठी है, वो कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। इसका क्या मतलब है कि उसने अभी तक अपनी लाइफ टाइम में एक फुल मील तक एंजॉय नहीं करी है, इतने पुअर हैं वो लोग। एंड उन लोग के पास घर है लेकिन कोई फूड नहीं है टू फिल देयर बेलीज। ओके, घर भी उनका कैसा है, इट इज हाफ ब्रोकन। तो अब जो लास्ट पेज है इस यूनिट का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये जो लोग फिरोजाबाद में रहते हैं, मुकेश जैसे लोग, ये लोग कभी भी इस विशेष सर्कल से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं और इनकी फैमिलीज इसी काम में लग गई है। सो यहाँ पे जो साहूकार्स हैं, मिडिलमैन है, पुलिसमैन है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं, ये लोग सब इन लोगों को इससे बाहर ही नहीं आने देते, इनकी कोई मदद ही नहीं करता। एंड यहाँ पर लेकिन मुकेश जो है उसे देख के जो नरेटर है वो बहुत खुश है कि मुकेश को अपने अलग ही ड्रीम्स अचीव करने हैं, उसको एक मोटर मैकेनिक बनना है और ना कि किसी और के अंडर कोई काम करना है।
सो बेसिकली ये पूरा चैप्टर इन्हीं थीम्स के अराउंड रिवॉल्व करता है कि जो हमारी सोसाइटी है वो बहुत कैलस है, कैलस एटीट्यूड शो करती है टुवर्ड्स द पुअर पीपल स्पेशली. कैलस मतलब क्या होता है? इट मीन्स इनसेंसिटिव. ठीक है, सो हमारी सोसाइटी बहुत इनसेंसिटिव है, स्पेशली जो रिच पीपल है वो. एंड हमें समझना चाहिए कि पुअर जो है वो भी हमारे सोसाइटी का पार्ट है, हमारे इस वर्ल्ड में रह रहे हैं. सो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू हेल्प देम. So lastly, good luck students, do well in your examinations. Thank you. Ooh, the trigger. Welcome. Welcome. Ain't nobody got-